नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। गूगल सर्च करेंगे www.uou.ac.in। इसमें आपके पास ये पेज ओपन होके आएगा। इसमें सबसे पहले आपने ऑनलाइन एडमिशन पे क्लिक करना है। सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। क्लिक हियर टू प्रोसीड। ये अभ्यर्थी द्वारा घोषणा दी हुई है, इसे आप पूरी तरीके से देख लें। फिर आई एग्री पे आपने क्लिक करना है। न्यू स्टूडेंट के लिए आपने फॉर न्यू स्टूडेंट ओनली में क्लिक करना है। और अगर आप इससे पहले भी हमारे यहाँ से कोई भी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, बैचलर, मास्टर, कोई भी डिग्री ले चुके हैं तो ऑलरेडी एनरोल में क्लिक करना है। आइए हम सबसे पहले न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। इस पे हमने सेशन मेंशन करना है, रीजन हमने सेलेक्ट करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम जो भी हम यहाँ से कर रहे हैं इसे सर्च करना है। लेफ्ट साइड में आप देखिएगा डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया हुआ है, इसे आप डाउनलोड करके फिल करके डेस्कटॉप में सेव कर लेंगे। आगे फॉर्म भरते वक्त इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन दी हुई है, हम जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं अपना प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग हम एलिजिबल हैं कि नहीं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है बी योगा, तो ये योगा के लिए एलिजिबिलिटी दी हुई है। यहाँ पे हम अपनी एलिजिबिलिटी डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बोर्ड ऐड करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग ऐड करेंगे, परसेंटेज आपने केवल नंबर्स में ही फिल करना है, परसेंटेज के बाद हम डिवीजन, डिवीजन के बाद हम सब्जेक्ट में आते हैं। देन हमने यहाँ पे फिर से एक ब्लॉक्स में क्लिक करना है। ये हमें सारे सेंटर दिए हुए हैं, हमें सेंटर चूज करना है अपने एरिया के अकॉर्डिंग। ये एक फिर से एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा आपके सामने, स्टूडेंट प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। इसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन अपने फिल करनी है। इसमें सेशन आ चुका है जो हमने पहले भरा है और सारी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम सिटी। आप अपने जहाँ पे भी आपका करंट लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना लोकेशन चुन सकते हैं। मीडियम हमने यहाँ पे चूज़ किया है, नेम हमने यहाँ पे फिल करेंगे, कास्ट भी आपने यहाँ पे ऐड करनी है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपने हिंदी का नाम सेलेक्ट करना है और हिंदी टाइपिंग में क्लिक करके इस तरीके से। यहाँ पे हमने हिंदी का नाम ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे फादर का नेम फिल करना है विदाउट एनी टाइटल, आपने यहाँ पे टाइटल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। फादर नेम, मदर नेम, जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमने कैलेंडर से ही सर्च करनी है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपकी अपनी ही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर पे हम अवेलेबिलिटी चेक करेंगे, ओटीपी के थ्रू हमारे पास एक मैसेज आएगा, ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमने अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है,
आधार कार्ड, नेशनैलिटी आपने सर्च करनी है और फिल करनी है, डोमिसाइल आप जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ का डोमिसाइल ऐड करना है, रीजन आपने सेलेक्ट करना है अपने ही अकॉर्डिंग, कैटेगरी आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आपने वो ही कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, कम्युनिटी इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करेंगे और फिल करेंगे, इकोनॉमिक क्लास ये भी आप अपने अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपका लिवलीहुड स्टेटस जो है वो भी आप सर्च करेंगे और क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं ये भी आप सेलेक्ट करके फिल करेंगे, फिर नीचे दिया हुआ है एड्रेस, आपने एड्रेस यहाँ पे अपना पूरा फिल करना है, अपना सिटी फिल करना है, आपने अपना स्टेट फिल करना है और अपना पिन कोड भी यहाँ पे ऐड करना है और फिर से कंट्री आपने ऐड करनी है। अब नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता के आधार पे 10th से आगे आपने करना है ऐड। सबसे पहले हम 10th को ऐड करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग बोर्ड हमने सेलेक्ट करना है, परसेंटेज फिर हमने नंबर्स में ही फिल करनी है, रिवीजन सब्जेक्ट यहाँ पे हमने ऐड क्वालिफिकेशन कर दिया है, 10th हमारा ऐड हो चुका है, अब नेक्स्ट 12th हमने ऐड करना है, अगेन ईयर ऑफ पासिंग बोर्ड परसेंटेज हमें सेलेक्ट करनी है, डिवीजन ये भी हम फिल करेंगे, जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट रहे हैं वो भी फिल करके ऐड करना है। ये बैचलर डिग्री का था इसीलिए 10th और 12th हुआ है, अगर आप मास्टर में एडमिशन लेते हैं तो आप सेम इसी तरह ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे फिल करेंगे और ऐड करेंगे। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इमेज की ओर, इमेज और सिग्नेचर जेपीजी मोड में दिया है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जेपीजी मोड में होने चाहिए, 5 to 35 KB में होने चाहिए, ये हमने अब पिक सेलेक्ट कर ली है, इसे हम अपलोड कर लेंगे, इंफॉर्मेशन जितनी है हमारी स्टूडेंट इमेज और सिग्नेचर इमेज ये हमारी ऐड हो चुकी है। अब हम अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं, सबसे पहले हम 10th को ऐड करेंगे, ये हमने ब्राउज की, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारी 10th की मार्कशीट अपलोड हो चुकी है ओरिजिनल, अब हम इसी तरीके से 12th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, एडमिशन एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट में हम अगर हम बैचलर डिग्री कर रहे हैं और हम सर्टिफिकेट डिप्लोमा कर रहे हैं जिसकी एलिजिबिलिटी 12th है तो हम 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे, अगर हम मास्टर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करेंगे, देन अपलोड। डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट जैसा कि पहले मैंने आपको बताया वो शुरुआत में ही दिया गया था, उसे फिल करके हमने अपने डेस्कटॉप में सेव कर लिया था, डिक्लेरेशन फॉर्म हमने ऐड कर लिया है, ये आप देख सकते हैं ये भी अपलोड हो गया है। अब आप डन एंड नेक्स्ट के बाद आपके पास आपके सब्जेक्ट्स और आपके पेमेंट्स इसकी पूरी जानकारी सामने पेज पे खुल के आएगी, आपकी टोटल फीस भी यहाँ पे आ रही है, देन आप डन एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसमें आपका जो भी इंफॉर्मेशन फिल आपने किया था वो सभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सभी कुछ मेंशन हो गया है,
पेमेंट गेटवे में आपने क्लिक करना है और डन एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है। ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन फिर से आ चुकी है स्क्रीन पे। मेकअप पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपसे इंफॉर्मेशन कार्ड की मांगी जाएगी। इस तरीके से आप पेटीएम के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फीस पे कर सकते हैं। कार्ड की सारी डिटेल डालने के बाद हम पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू अपना एडमिशन कर सकते हैं। एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको एक पीडीएफ एप्लीकेशन आएगी, उसका प्रिंट आउट कंप्लीट निकाल के लेके जाना है। अपने जो भी स्टडी सेंटर आपने चूज किया हुआ है सारे डॉक्यूमेंट के साथ वेरीफाई करवाना है। इट्स अ कंपलसरी। धन्यवाद।